ఇక పరీక్షలపై చర్చా సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक ऊर्जा एवं विश्वास से भर देता है. आपके बृहद अनुभव एवं ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं. माननीय, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं. धन्यवाद मान्यवर. माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं. खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है. और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे. माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार. मेरा नाम खुशी जैन है. मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ. मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद. धन्यवाद खुशी. मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं. वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को. श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ. महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है. मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर. From the land where the Sabarmati Sant Mahatma Gandhi ji started his Satyagraha movement, I invite Kenny Patel, a class 10 student of Vadodara, who earnestly seeks your guidance on similar challenges faced by her. Kenny, please ask your question. Greeting Prime Minister sir. My name is Kenny Patel. I am from Treehouse High School, Vadodara, Gujarat, from class 10th. My question is, how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision to enhance our marks and result, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you, sir. Thank you, Kenny. माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं. उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं. परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी, एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा. देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है. क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं. इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता रही है. तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है. हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है. हम गुजर चुके हैं. जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं। एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है। मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है। हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, एक आध चीज में थोड़ी जितनी मेहनत चाहिए नहीं हुई होगी, उसमें क्या है, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए। पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा कम अधिक जोड़ना तोड़ना वो आपके पूरे स्वभाव से डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। वो ये करता है तो चलो मैं भी ये करूं, मेरा एक दोस्त ऐसा करता है इसलिए उसको अच्छे मार्क्स आते हैं मैं भी वो करूं। आप वो कुछ मत कीजिए जो आपने सुना है, आप वही कीजिए जो इतने समय से आप करते आए हैं, और उसमें आप विश्वास भरिए। मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से, एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे। Thank you, Honorable Prime Minister Sir, for teaching us to accept exams as a natural experience, to believe in ourselves. Honorable Prime Minister Sir, the next question comes from Mysuru in Karnataka, renowned for its heritage destinations and national parks. Tarun MB, who is a class 11 student here, seeks a solution to his problem. Tarun, may we have your question, please? Good morning, sir. I am Tarun MB, studying in class 11th at Jornavadeya Vidyalya, Mysuru, Karnataka. I express my sincere gratitude in being given an opportunity to participate in the 5th edition of Pariksha Pe Charcha 2022. My question to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is, sir, how can you be a student focused while studying online? Because there are so many distractions like YouTube, WhatsApp and other social media. It is very difficult to study online without disturbance. Sir, is there any solution for this? Thank you, sir. Thank you, Tarun. Honorable Prime Minister, sir, Sahid Ali, a class 10 student of Silver Oak School, Delhi Cantonment Board, is eager to ask his question on a similar subject. Sahid, please ask your question. Namaskar, Mahoday. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं साहिद अली, सिल्वर ओक स्कूल, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू साहिब। ऑनरेबल सर, कीर्तना नायर, a class 10 student from Thiruvananthapuram, Kerala, is plagued by the same problem and expects to receive guidance from you, sir. Kirtana's question has been received from times now. Kirtana, please ask your question. Hi, I am Kirtana from class 10.